ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस चीज पर डिस्कस किया था जरा उसके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। अगर किसी ने रिवाइज किया है, ठीक है ना, अब मान लो किसी ने रिवाइज नहीं किया है तो उसको तो कुछ नहीं पता होगा। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, जैसे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे, मैंने कहा था 1 मार्च 2015 को रविवार था, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, 2023 को कौन सा दिन होगा। फटाफट आंसर दे भाई, इतनी देर में तो आंसर आ जाता आपका, ठीक है ना। 1 मार्च 2015 को रविवार था तो 1 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, फटाफट आंसर दे। बहुत देर लग रही है, स्पीड बढ़ाओ। क्या आ रहा है, रविवार ही आ रहा है। चलो बाकी लोगों का, बाकी लोग क्वेश्चन ही पाते हैं अभी तक है, शनिवार हद कर दिया आपने। जरा ध्यान दो देखो, यहाँ पर हमने बेटा ऑलिक पेन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। और ऑलिक पेन में एक बात बताई थी कि हम शॉर्ट मारेंगे, डबल कट, अगर डबल स्टेप पे क्वेश्चन है तो शॉर्ट भी मार सकते हैं। अब शॉर्ट मारने के लिए पहले तो हम बेसिकली बता रहे हैं, देखो एक होता है ऐसी बात नहीं है, दिन या महीने साल में। अब जो नहीं आए तो उनको कुछ नहीं समझ आएगा, ये बात मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ उनको आएगा जो आएंगे। मार्च के कोड में कितना बताया था, 4। वर्ष कितने हैं, 15। लीप वर्षों की संख्या बताओगे, 4 तिया 4 तिया 3 लीप आएंगे नहीं आएंगे, तो लीप वर्षों की संख्या होगी 3। 2000 का कोड कितना, कौन में, ये देखो 6 और 1 7 खत्म हो गया भैया, 3 और 4 7 खत्म, ठीक है ना। 7 एकम 7 7 14 बचे कितने, और एक रविवार ही होता भाई, उसमें भी तो क्या दे रखा है, रविवार ही दे रखा है, है नहीं। तो ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, तो इधर ध्यान देंगे आप बेटा। इसको ऑलिक पेन लगा रहा है, थोड़ा ट्रेन की स्पीड में देखो, 1 सितंबर का कोण 6 23 ऐसे उतार लिए, 4 5 20 2000 का कोण कितना, 6 अपॉन में 7 6 और 1 7 खल्ला, ठीक है ना। 7 3 21 बचे कितने, 5 ये है, दोनों कोड़ा दो, 7 बचा कितना, 6 दिन कौन सा होता है, समझे बात को, नहीं समझे। इन पर हमने काफी अच्छे से चर्चा कर ली, कंप्लीट कर ली अपनी क्लास, ठीक है ना। आज जो स्टेप है वो अगले की है, तो ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आज लास्ट क्लास है कैलेंडर की, तो जो बचा बचा है उस पर बात किया जाएगा, ठीक है नहीं। चलो तो अपना हेडिंग डाल देंगे बेटा, कैलेंडर पुनरावृत्ति, कैलेंडर पुनरावृत्ति। अगर किसी को स्पीड लगे ना क्लास में तो एक बार बता दीजिएगा। पहले तुम लोग पूरी बात सुन लो, फिर तुमको और क्या है, इधर देखो तुम्हारे लिए बता रहे हैं 1900 1800, बाकी लोग उतारते रहे 1700 1600, यही लगती तो बात बताई थी हमने, हमने कहा था 1900 का जीरो होता है, 2 4 6 लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है ना, सुनो पूरी बात। और 2000 में क्या है, आराम से छक्के छक्के मारो लोग, ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब जैसे आया 1500 1400, कई रात आता नहीं है, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो देखो अब बताओ 6 से पहले क्या आ रहा है, जीरो, तो 1500 का 0 2 4 1 ऐसे चल जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा गैप पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा किताब में, एक आध बाई चांस आ जाए बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊँ, क्योंकि अगर मैं लिखवाने को तो सब लिखवा दूंगा, लेकिन मुझे पता ना पेपर में जो क्वेश्चन आता है इन चारों से ही आएगा, इनसे ज्यादा हटके नहीं आता है, तो हम लोग बात भी उसी पे करने वाले हैं, सही है ना। चीजें उतनी देनी है जितनी आप सफिशिएंटली तैयार कर सको, वो भी क्या मैं पूरा बोर्ड भर दूं और आपको कोई चीज तैयार करने में मजा ना आए तो फायदा नहीं है। जो ज्यादातर पूछे जाएंगे आप पूरी किताब उठा के लिख लो, यहीं से क्वेश्चन होगा, ज्यादा जरूरत से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपके मतलब क्या है, मैं ज्यादा लिखवा दूंगा तो प्रेशर बन जाएगा बेटा,
चलो अब बात करते हैं कैलेंडर पुनरावृत्ति की। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ वैज्ञानिक लोग खाली बैठे हैं कैलेंडर बनाने के लिए केवल? ठीक है, उनको क्योंकि नई साल आने वाली है, फिर से कैलेंडर बनाएंगे, फिर अगली बार नई साल आएगी तो उनकी उतनी ड्यूटी है। सरकार ने केवल उनको कैलेंडर बनाने के लिए रखा है, ऐसा किसी के दिमाग में है कोई क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को केवल और केवल कैलेंडर बनाने के लिए रखा है? ऐसा पता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कैलेंडर जो होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। कैलेंडर क्या करता है? अपने आप को रिपीट। जब स्टडी में कैलेंडर बनाता है वही कैलेंडरों का बार बार यूज हो रहा है। इस समय 2024 में जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, इस कैलेंडर का पहले भी प्रयोग हो चुका होगा, ठीक है, और आने वाले टाइम में भी होगा प्रयोग। समझ के बात को, वही कैलेंडर पुनरावृत्ति का केस होता है। कैलेंडर पुनरावृत्ति का केस होता है, मेरे भाई एक बार बताओ आप, 2024 में जो भी चल रहा है अगर यही कैलेंडर आपको आगे देखने को मिले तो हुबहू डेट तारीख छुट्टियां सब वैसी होंगी नहीं होंगी? मान लो आप यही कैलेंडर हुबहू इधर आ जाए, अगर 24 के बाद उसमें केवल और केवल वर्ष बदल जाए, कौन सी है, सेम कैलेंडर हो तो सेम कैलेंडर जब होगा तो चीजें सेम चलेंगी नहीं चलेंगी उसमें, ठीक है ना, तो उसी पर आधारित प्रश्न होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझने का प्रयास करेंगे, मैंने कह दिया 2005 का कैलेंडर, ध्यान देंगे ये 2005 का कैलेंडर पहले आगे कब यूज हुआ है, 2005 का कैलेंडर आगे कब यूज हुआ है, तो इस 5 को जब बेटा 4 से भाग करेंगे आप तो एक फेज बचता है, और जब एक फेज बचेगा तो पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, तो 6 जोड़ दोगे तो 2011, ये 2011 में यूज हुआ है। क्या जी रुको, बर्दाश्त करो जरा, पहले ये तो क्वेश्चन का फ्रेम क्या है, बर्दाश्त करो, क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। जैसे 2005 का हमें जानना था कि आगे किस वर्ष में कैलेंडर का यूज करेंगे, तो हमने 5 को 4 से डिवाइड किया, एक फेज बचा, पहली बॉल पे छक्का मारते सीधे आगे 2011 लिख दिया, सही है। अब ये किया कैसे उसके बारे में जान लो पहले कि ये किया कैसे, ठीक है ना, तो समझ रहा ध्यान कैलेंडर का पुनरावृत्ति कब होती है, इधर ध्यान देंगे बातचीत नहीं भाई, आप फोकस करेंगे मेरी बात पर बेटा। यहाँ लिख लेते हम लोग फेज, यहाँ लिखेंगे आवृत्ति का, एक हो गया फेस, एक हो गया आवृत्ति पर आने वाली पर, ठीक है। अब फेस अगर आपका एक बचता है, फेस कितना बचे, एक फेस बचे तो आप वर्ष पे 6 जोड़ते हैं, जैसे अभी मैंने जोड़ा था। अगर आपका 2 या 3 बच रहा है तो आप सीधे 11 जोड़ते हैं, सुनते रहियो पूरी बात, ठीक है। अगर 0 शेष बचता है तो सीधे 28 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 28। आप सुनो अखबार, यहाँ का अपवाद ये है कि ये वाला जो केस लगेगा, बच्चे लोग ध्यान दो, मैं क्वेश्चन बोलूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, ये वाला जो कंडीशन फॉलो करेगा तो उसमें करंट क्वेश्चन में एक वर्ड इस्तेमाल करेगा कैलेंडर भी समान है, ठीक है ना। ये वाला जब भी देगा तो क्या बोलेगा, कैलेंडर भी समान है, जब बोलेगा कैलेंडर भी समान है तभी आपको ये वाला रूल लगाना है। हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कैलेंडर भी समान है तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाहिए, कंपलसरी है क्वेश्चन में, कंपलसरी है कि कैलेंडर भी समान है, ये वर्ड आना चाहिए, तब ना ये वाला रूल फॉलो होगा। समझ गए बात को? अब सर ये नीचे के आपसे क्या छोटा था उसके बारे में भी बताऊंगा, ये शेष लाओगे कैसे, तो किसी भी वर्ष को बेटा जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितने डिवाइड करते हैं, दरअसल हमेशा 4 हमेशा क्या है, वर्ष को तो 7 से डिवाइड करते चले आए शेष निकालने के लिए, ये तो किया था अब तक, जब भी शेष निकालते थे 7 से डिवाइड करते थे, लेकिन पुनरावृत्ति में एक ऐसा केस है जो वर्ष को 4 से डिवाइड करते, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करोगे किसी भी वर्ष को तो आपको बताओ 4 से छोटी तो संख्याएं आएंगी, 4 से बड़ी वाली में तो शेष बचने लगेंगे, बचेंगे जैसे 5 दिया तो 5 4 1 4 शेष कितना बच गया, 1 बच जाएगा नहीं बच जाएगा, और 4 से छोटी संख्या अगर 3 लिखी हो तो 4 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी, तो 3 ही शेष माना जाता है वहां पर। समझ गए नहीं समझ गए बात, हाँ। अब सर ये क्या छोड़ रखा है आपने नीचे के लिए, तो मेरे भाई आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपका कुछ भी बचे, 1 बचे 2 बचे 3 बचे 0 बचे, खासकर 0 पर मैं बात कर रहा हूँ, 0 पर, 0 जब भी बचे तो कभी कभी क्या करते हैं 6 जोड़ देते हैं, बेसिकली 0 जब भी बचे तो 6 जोड़ देते हैं, देखो कैसे लगे, ये अपवाद है, लेकिन इसमें ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, कैलेंडर भी समान है, जब ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तब आप समझ जाएंगे कि ये तो 6 जोड़ने वाला अंतर है। अब ऑप्शन में मान लो क्या है, ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो कि ये नहीं हो और ये वाला ऑप्शन दे रखा, तो ये तो तरीका तो पढ़ ही रहेगा, इसको तो पढ़ाऊंगा ही मैं, ये अपवाद कर कराना, ये क्वेश्चन में अलग से कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन पर ये लागू हो रहा है। अब यहाँ पर तो नोट भी है, आप ध्यान देंगे नोट, अगर सर कैलेंडर भी समान ना हो और 0 भी ना आए तब 0 आएगा, 0 आएगा, बर्दाश्त हो जाएगा, 0 आएगा,
ना आपको डेट के साथ से क्वेश्चन देगा, थोड़ा इंतजार करो कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन लाऊंगा। इधर देखो नोट पर ध्यान दो जरा, नोट कह रहा है कि अधिक वर्ष का कैलेंडर, अधिक वर्ष का कैलेंडर, अधिक वर्ष में प्रयोग होता है। अब अधिक वर्ष का कैलेंडर यानी लीप वर्ष जिसमें 29 फरवरी होगी तो वो कैलेंडर भी तो लीप नहीं तो यूज कर सकते हो, उससे पहले कर ही नहीं सकते यूज। तो अधिक वर्ष का कैलेंडर अधिक वर्ष में ही प्रयोग होता है। एक नोट और आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चे क्या चेंज कर जाते हैं नोट, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऊपर वाले रूल को फॉलो नहीं कराएगा। तो पहले इसके बारे में मैं आपको समझा दूं, ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनो पहले मेरी बात। जैसे आपके सामने मैंने पेज रख दिया 2003, अब मैंने कहूंगा कि 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हम जब इसको चार से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या ये बताओ तीन चार से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं। और तीन जब चार से भाग नहीं जाएगा तो शेष कितना माना जाएगा, तीन, और तीन शेष बचने पर कितना जोड़ देते हैं, ग्यारह। तो बेटा जब 2003 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2014। तो सेम कैलेंडर मिल जाएगा 2014, सही है। अब 2014 का तुम्हें जानना हो सर कि 2014 वाला हम कब यूज करेंगे, तो फिर हम चार से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो चार दिया 12 कितने बचे, दो शेष बचे। अब दो शेष बचेंगे तो फिर कितना जोड़ देंगे, 11। तो 14 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2025। 14 में 11 जोड़ोगे 2025 नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, इधर ध्यान दो इधर, ठीक है ना। अगला देखो, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 2008 लिख दिया, सपोज दैट अब 2008 एक लीप वर्ष है। अब आप देखना इसमें 0 शेष आएगा, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 को 8 पूरा कट जाएगा, कट जाएगा, शेष कितना बचा, 0। अब 0 शेष बचता है जब भी, तो कितना जोड़ देते हैं, 28। तो 28 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 36। तो इस कैलेंडर का यूज 2036 में किया जाएगा, 2008 वाले का, समझ गए बात को। और ये तभी संभव हो सकता है क्योंकि ये कैलेंडर दोनों अधिवर्ष वाले ही कैलेंडर होंगे, ये दोनों कैलेंडर कैसे होंगे, अधिवर्ष के ही कैलेंडर होंगे। तो किसी भी वर्ष का आपको अगर निकालना है, किसी भी वर्ष का एक्सपायरी है, आप जब चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम बोलेंगे उसके आधार पर आपको पूरा सिखा देंगे। अब होता क्या, एक केस और समझ लो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट केस है भाई। जब हम साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में जाते हैं, तो वहां एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। बेटा ये जो नोट लिए ना, ये समझ लो ये तब लिए ना, हमने सीख लिया इसको बहुत अच्छे से, तब ये बाल की खाल जब निकली है इस वाले केस में, इससे पता लगा कि यार ये था क्या। और इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी से नोट करो। आवर्ती कुंजी में क्या कहते हैं, आवर्ती कुंजी में रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, आवर्ती आने वाला बस, आप तुम देख लो अपने हिसाब से इसमें तो क्या कहेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट नहीं बोल सकते, नेक्स्ट बार तो अगली ईयर हो जाती है, नेक्स्ट कैलेंडर, ये कुछ भी कहो तो नेक्स्ट ईयर नहीं बोलोगे। उतार लिया, अब आपके सामने एक देखो क्वेश्चन आ रहा है, लिखो 2005 का कैलेंडर, ये क्वेश्चन है, ये नोट करो, लिखता आज काफी बढ़िया मिलेंगे इसमें आपको, देखेंगे कई चीजें नहीं होंगी।
बढ़ा दूं, अब ढाई देर ज्यादा हो गई। देखो वर्ष 2005 का कलेक्टर आने वाले किस वर्ष के कलेक्टर के समान होगा, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। वर्ष 2005 का कैलेंडर आने वाले वर्ष 2005 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। वर्ष 2005 का कैलेंडर आने वाले वर्ष 2005 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आप देखे सामने जितनी देर इसमें लिखने लगी ना, इतनी देर तक इसमें करने में लगे। 2005 का कैलेंडर, 2005 के समान का कैलेंडर पूछा आगे आने वाला। आप लोगों को नहीं बताया था 2005 का, मैं 4 से डिवाइड करोगे फिर कितना बचेगा। जब एक देर बचता है तो बेटा कितना जोड़ देते हैं, फिर हम नहीं जोड़ते हैं, पहले बॉल पे धक्का मारते हैं। बता के ध्यान रखो 2000 नहीं आएगा पेन भी निकलाने की जरूरत है। 2011 का कैलेंडर फिर से तो बताइए। 2011 का कैलेंडर जब आप आ गए, मान लो सपोज यही पे क्वेश्चन करिए 2011 का, 4 दुनी 8 कितने से बचे, 3 बचे, मतलब कितना जोड़ते हैं 11 जोड़े तो 2011 को जब आप हो जाए सर भाई। इनके कहने का मतलब ये है कि 2005 का कैलेंडर सर 11 में हमने निकाला, हमारा सीधे 2022 में क्यों नहीं आया, ये कहना चाह रहा है। तो आगे भी करते हैं पीटे होते रहेंगे, ये तो निकालने का तरीका है, समझ गए नहीं समझ गए, मतलब कुछ भी सही है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो राहुल ने अपना जन्मदिन 15 अगस्त 1890 को रविवार को मनाया। 15 अगस्त 1890 को रविवार को मनाया तो वह अपना अगला जन्मदिन रविवार को कब मनाएगा। तब वह अपना अगला जन्मदिन रविवार को कब मनाएगा। अब देखो आगे वाली लाइन पर निर्भर करेगा कि आप कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं। जब कैलेंडर भी समान है, जब कैलेंडर भी समान है, अब भाई कैलेंडर समान होगा तब ना रविवार को ही तो जन्मदिन मनाएगा, फिर वो सभी तो मना पाएगा, तो उसकी जन्म से डेट थोड़ी बदल जाएगी, वो तो 15 अगस्त की रहेगी। अब 15 अगस्त रविवार वाले ही दिन पड़ना चाहिए, ऐसा तभी संभव होगा जब कैलेंडर क्या होगा समान होगा, ठीक है ना। वो बात मैंने यहाँ बोल भी दीजिए, कैलेंडर भी क्या हो समान होगा। अब आप बताएं, ऐसा तब होगा जब कैलेंडर जो होगा 1890 के कैलेंडर के समान होगा। अरे यही तो बात है। अब आप देखे 15 अगस्त, बच्चे लोग ध्यान दें, बोले नहीं 1890 ये आ गया आपका मतलब। अब बेटा एक बात बताओ, आपको अभी हमने बताया कैलेंडर समान होगा तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, करेंगे करेंगे, जब 4 से डिवाइड किया तो 22 चौक 88 होते हैं, तो शेष कितने बचे, 2-3 बचे।
पहाड़े तो आने चाहिए आपको जी सर। दो शेष बचे बेटा, शेष कितने बचे? दो। और जब दो शेष बचे तो कितना जोड़ते हैं? ग्यारह जोड़ते हैं। तो इसमें हमने कितना जोड़ दिया है? ग्यारह। तो बताओ कितना आ जाएगा अगला? 1901। यानी सिलेंडर समान होगा 1901 का जी। पक्का? जी सर। अब आपको ये ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा। और आप कहोगे सर आपने तो यही सिखाया था हमें, इसी का 4 से डिवाइड करो तो शेष बचे उसको उड़ा दो। अरे बताए थे, नहीं बताए थे? अभी बताए हैं। लेकिन उसके अलावा हाँ बताओ, मुझसे पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे जो भी है मुझसे पूछो। तो सुनो पहले पूरी बात बेटा, 1901 भी ऑप्शन में होगा सही है, पर आंसर नहीं होगा। कैलेंडर समान है तभी तो लगाया है 1+11 जोड़ के। लेकिन हमने एक नोट नीचे लिखवाया था, जरा गौर करना, जब एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी की तरफ जाओगे हम, एक शताब्दी से दूसरी, एक साधारण शताब्दी से अगली साधारण शताब्दी में जाओगे हम, तो वहाँ एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ये देखो 1800 से आप कहाँ पहुँच गए? 1900 में पहुँच गए आप, पहुँचे नहीं पहुँचे, और साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में जा रहे हो। इस बार शताब्दी ही क्रॉस कर दी तुमने, और जब साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी क्रॉस करोगे तो आपको फिर एक और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा सर। तो अब बेटा आंसर लोड के अकॉर्डिंग कितना हो जाना चाहिए? 1900। ये राइट आंसर होगा इसका। हाँ पहले चेक कर लें, खुद जाके किताब ले जाएंगे, ठीक है ना जी सर। हमारे पास लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम पूरी बात नहीं डिस्कस कर सकते, अदरवाइज हम अभी आपको बताते कैसे कैसे हो रहा है, सही है ना। अब सुनो हमारी बात, यहाँ तक बात समझ जाएगी क्यों हुआ ऐसा। अगर साधारण तो साधारण से लीक में जाते कोई दिक्कत नहीं होती, साधारण से लीक में जाते कोई दिक्कत नहीं होती, लीक से साधारण में जाते कोई दिक्कत नहीं होती, पर साधारण से साधारण में जाओगे तब आपको क्या है, 1% लेना पड़ेगा। ये वोट इसीलिए अलग से लिखा गया था, इस पर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, इसलिए पहले वो क्वेश्चन हमने कराया जिस पर आप धोखा खाने वाले सही है। क्या जी ऐसा होता है? ऐसा होता क्या है? चाहिए आपको डिटेल चाहिए सर जी? तो ठीक है सर, चैप्टर की गारंटी नहीं ले पाऊंगा, डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा टेक्निक बता रहा हूँ। ये जो सेल्स आ रहा है ये निकाल के बताइए कैसे? हाँ मैं समझ गया, वो वही कर रहा हूँ मैं। ये देखो इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 15 अगस्त 2015 रविवार है, रविवार को है। अब सुनो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब आप अगली साल को जाओगे 15 अगस्त 1891 मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी। और एक साधारण वर्ष में ऐसे दिनों की संख्या कितनी होती है? एक साधारण वर्ष में ऐसे दिनों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, होती नहीं होती है। तो अगले आप दिन जो आएगा वो कौन सा आएगा? सोमवार। आएगा नहीं आएगा जीदर? देख लेना आप, चेक कर लेना। अगला देखो फिर से अगली 15 अगस्त आ रही है और यहाँ पे कितना हो गया? अब एक बांध रही है, लीक बढ़ रही है आगे, देखना ये 1892 के लिए लीक बढ़ रही होगी, तो ये 91 खत्म होगी, और 15 अगस्त पर जब 92 में जाओगे तो सदरी की लेके आओगे। ये पहले दिन से जो पढ़ रहा वही समझेगा, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता क्या करना पाऊंगा। ये देखो आप यहाँ पर कितने दिन जोड़ेंगे बेटा? दो दिन जोड़ेंगे। तो यहाँ दो दिन जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? सोमवार दो दिन जोड़ते बुधवार, बुधवार। देखो क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान भी दो, इधर ज्यादा सीरियसली मत करो। अगला दिन अब आगे तैरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से साधारण से साधारण तक जा रहे हैं, एक ही जोड़ देना। 1 फरवरी की कोई बात आई, हम 29 फरवरी की कोई बात आएगी नहीं, अब एक ही जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? सब लोगों ने कर दिया एक्सरसाइज, सबके साइन हो गए। अगले करो फिर से 15 की तरफ चलना, देखो अब क्या आ जाएगा? 94, और फिर से एक ही जोड़ दो, फिर से एक ही जोड़ दो तो कितना जाएगा? आपको कौन से दिन का इंतजार है? रविवार ही मिल जाए दोबारा से। इधर देखो जाओ आप, फिर से एक दिन जोड़ोगे इसमें तो क्या मिल जाएगा? शनिवार है नहीं? और जब 15 अगस्त पे जाओगे और यहाँ देखो 95 की, ध्यान देखिए यहाँ पर मेरी बात पर, 1995 आप गए 1996, रविवार मिलने ही वाला था, रविवार मिलने ही वाला था, जब आप 95 आगे ही आ गई। अरे 1996 आ गई आएगी, और फिर क्या है आपको 2 दिन बढ़ जाएंगे, और जब 2 दिन बढ़ जाएंगे तो आप बताओ रविवार को क्रॉस कर गया हो, अब क्या आ गया यहाँ पर? ठीक है सर, ये
उसकी डेट अगर 29 फरवरी से पहले जॉब वाले की समस्या तुमने हाँ क्या कह रहे हाँ तो पहले तो लोगों की बात क्लास रिकॉर्ड होती है ठीक है यूट्यूब पर भी जाती है क्लास इसलिए तुम लोगों से ज़्यादा मैं बात कर नहीं पाता तुम्हें बात पता नहीं है भला तुम क्लास को बोल भी नहीं पाते समझ गए बात को सब लोग ध्यान दो इस बात पर क्लास रिकॉर्ड होती है मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि फिर क्या है यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होने लगते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है या बच्चों से डिस्कशन कर रहा है ज़्यादा है और वो भी इस टाइप का डिस्कशन पढ़ाते समय जो डिस्कशन हो सकता है वो भी इस टाइप का कि तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं सकता तुम्हें पता लग रहा होगा मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ इग्नोर कर रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड नहीं होती तुम बोल नहीं पाते ठीक है ना क्योंकि जो पढ़ता है ना लोग जिसको नौकरी चाहिए वो आपके क्लास में पढ़ता है जिसको नौकरी नहीं चाहिए वो खाली बैठ के मौज काटता है ठीक है ना और मौज पढ़ने वालों को ज़्यादा टिकने नहीं देते पढ़ाई चाहिए पढ़ाई क्यों कर रहे हैं मैं तो ये कह रहा क्यों कर रहे हैं पढ़ाई किसी को देख के कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं देख के पढ़ाई कर रहे हैं अगर नौकरी चाहिए तब ना पढ़ाई करो नौकरी नहीं चाहिए तो क्यों कर रहे हैं पढ़ाई काम बहुत सारे हैं घर वालों का तो जवान होकर एक तरफ से पैसे 500 रुपये दिहाड़ी चल रही कमाओ जाओ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई उद्देश्य होना चाहिए क्लास में समझ गए ना हाँ इंटरटेनमेंट होता है क्लास में ठीक है लेकिन उसके अलावा अगर आप अननेसेसरी चीज़ों को क्रिएट करोगे बार बार तो मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा ना ऐसे करके ऑनलाइन क्लास चलती है यूट्यूब पर ही जाए थोड़ी देर में फिर दिक्कत पड़ती है उसमें वहाँ पर सही नहीं लगता इसलिए ध्यान दो यहाँ पर कंसेप्ट तुमने पूछा मैंने तो नहीं पूछा मैं तो सही का बता दिया था सीधे सीधे अब जब कंसेप्ट पूछा है तो उस पर ध्यान दो क्यों बता रहे हैं आप बताओ चलो ये 18 पढ़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर दो दिन पढ़ गए नहीं पढ़ गए अब आ गए हम 97 बजे तो एक दिन बढ़ जा रहे हैं ये मंगल हो गया 98 पे आ गए एक दिन बढ़ जा रहे हैं बुध हो गया 99 पे आ गए एक दिन बढ़ गए बृहस्पति हो गया अब देखो यहाँ पर 15 अगस्त कल कितना आ जाएगा 19 अब 1900 में भी तो एक ही पढ़ेंगे अरे 1900 में तो एक ही पढ़ेंगे फिर से एक ही पढ़ेंगे कितना आ गया तो अब आप क्या सोच रहे होंगे 1901 जो आप चाह रहे थे 1901 ये वाला सेम कैलेंडर के तौर पर तो फिर तो आपको यही रविवार मिल जाना चाहिए था पर यहाँ क्या मिल जाएगा 1900 लीप ईयर नहीं होगा 1900 कब तक लीप ईयर होने लगा 1904 से कट जाएगा क्या दिमाग लगाओ अच्छा अच्छा तो ये देखो शनिवार तक जीरो जीरो और हमें क्या चाहिए था रविवार चाहिए था अब तरीका तो आप लगाओ लेकिन मैंने क्या बताया साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी क्रमश करो लेकिन जोड़ दो आपको देखो रविवार के लिए 1902 पर आपको आना पड़ेगा ये 15 अगस्त तो होगी अरे 15 अगस्त तो होगी 1902 और क्या मिलेगा रविवार तो देखो ये दोनों सेम ही है आपको 15 अगस्त 1890 को भी रविवार है 15 अगस्त 1902 को भी रविवार है समझ में आ गया तो 1902 क्यों लेना पड़ा क्योंकि जब भी एक साधारण शताब्दी से दूसरी साधारण शताब्दी में जा रहे हैं तो एक ऐसा लेना होता है तो कहीं कोई भी डिस्कार्ड नहीं होगा बाकी हर जगह पर लागू होता है सही है अब क्या पेपर में ये कब लगाएंगे इसीलिए तो वो शॉर्टकट बताया तो मैं नोट करा के अलग से बताया ठीक है ना हाँ ये डेट अगर 29 फरवरी से पहली हो पहले हो तो कौन सी होंगे तो डेट बोलो जैसे 14 फरवरी जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा उस दिन फिर एक ही दिन बढ़ेगा ना वो डिपेंड करेगा कि आपकी डेट किस तरह से रखी गई है आप अपना क्वेश्चन तो कोचिंग के आधार पर मैं आंसर बता रहा हूँ पहली बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ज्यादा टेंशन मत लो ये है साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी क्रॉस करने पर एक दिन एक्स्ट्रा छोड़ दें अदरवाइज हर जगह आपका वही दिन लगेगा एक से बचे 6 जोड़ दो एक से बचे 6 जोड़ दो और 2 या 3 से बचे 11 जोड़ दो पर साधारण शताब्दी से शताब्दी क्रॉस करोगे तो दिक्कत आती है मंथ से कोई लेना देना नहीं है हाँ मंथ से कोई लेना देना नहीं होता सर ये जो मंथ वाला कोड बताया था मंथ वाले कोड से अगर सेम दिन पर रिपीट हो जाए दिन तक कैसे जैसे मंथ के कोड से किसी दिन पर सेम दिन पर रिपीट हो जाए तो ईयर से कोई लेना देना नहीं मंथ के कोड से यहाँ मंथ के कोड मतलब क्वेश्चन में तो उसी वर्ष में होगा वो तो उसी वर्ष में होगा और कैलेंडर यहाँ चल रहा है कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या लिखा है कैलेंडर पुनरावृत्ति वो बोलेगा कैलेंडर भी समान है ये सब बोलेगा समझ गया नहीं समझ गया क्वेश्चन की पहचान ही ना कर पा रहे इतना समझ में आया चलो एक और क्वेश्चन लिखो
वर्ष 2004 का कैलेंडर इस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। वर्ष 2004 का कैलेंडर, वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, ठीक है। आप 2000 कितने का होगा? 2004 का। आपको टेंशन नहीं लेनी, 2004 में बस देखो ये चार चार से कट जाएगा पूरी तरह से, जीरो से बचेगा। और जब जीरो से बचता है तो कितना बचे? 2000 कोई डाउट? नो, आराम से कर सकते हो। वो जो नोट वाली बात बताई थी वो हमने बताई थी। अब सपोज दैट इसमें ये हम ना बोलते कि कैलेंडर भी समान हो और तारीख जैसे अभी थी 15 अगस्त, हमने दी थी 15 अगस्त 1980 का कैलेंडर, किस आने वाले कैलेंडर के समान होगा? ये समान पर ना देखे, हम कहते को अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगा? मैं कहता कि राहुल ने अपना जन्मदिन 15 अगस्त 1890 को मनाया, भाई अपना अगला जन्मदिन रविवार को ही कब मनाएगा? तो वहाँ आप छः जोड़ के लिए आपको बता, ठीक है ना, वहाँ आंसर आ जाता है। समझते हैं आपको? चलो तो रिपीटेशन कैलेंडर से किसी ने क्वेश्चन पूछा था उधर, आप कोई बताओ कैलेंडर से कोई दिक्कत यहाँ पर? हाँ, आप कर लोगे क्वेश्चन को? जो क्वेश्चन आप पूछना जा रहे थे कैलेंडर का रिपीटेशन वाला, सुनो अगला सब्जेक्ट देखो। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बोले जाते हैं, बीच में कुछ कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन है कि आज रविवार है तो आज के आज के 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आज के 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखें, मैं जो भी चीज लिखता हूँ अगर आए तो नहीं जा रही, इम्पोर्टेंट है उसको पूछना। अभी देखना कैसा खुलेगा, क्या आ रहा है? सोमवार। बहुत सारे बच्चों का सोमवार आंसर आ रहा है। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा जाता था मेरे, आज रविवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा? क्या दोनों में थोड़ा अंतर लग रहा है? ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में अंतर है या नहीं है? जी सर, दोनों को इस तरह तो नहीं करोगे? नहीं, नीचे वाले में रविवार, नीचे वाले में ऊपर वाले में। अच्छा यहाँ पर हम कहते हैं आज के 64, आज के बाद 64वां दिन, तो कुछ बदलते जैसे हम ये कहते थे आज के बाद 64वां दिन, तो कुछ बदलते क्या ऊपर वाले में? अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोनों बातें मैंने बोल दी, आज से 64वां दिन और आज के बाद 64वां दिन। सात लेन 63 बचे कितने? एक शेष बचा ना, एक शेष बचा, तो जो एक शेष बचा है वही आप क्या कर देंगे? रविवार में जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? लेकिन अब आप यहाँ ध्यान दें, आज रविवार को आज से 64वां दिन या आज के बाद 64वां दिन, इस बात पर ध्यान देंगे, वहां शब्द जब दे, वहां इस बात पर फोकस करेंगे जब वहां शब्द दे, ये 64वां दिन जो आया होगा वो 63 दिन के बाद आया होगा। समझ गया? नहीं समझ गया मेरे बात? ये जैसे मैंने यहाँ पर 64 दिन के बाद हमने बोल दिया
63वां दिन जो आया, 64वां दिन जो आया है वो 63 दिन के बाद आया। तो आपको क्वेश्चन को इस फ्रेम में बदलना है, पहले इस फ्रेम में, इस फ्रेम में आप जो 64वां शब्द है ये, इस पर बेटा कभी भी डायरेक्ट 7 से भाग मत लगाना, इस पर कभी भी डायरेक्ट 7 से भाग मत लगाना, इसको बदलना है 63 दिन के बाद में। और जब इसको 63 दिन के बाद में बदलोगे तो 63 के बाद ही तो आएगा ये 64वां, 63 के बाद ही तो आएगा 64वां। तो अब आप ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम होगा जी। तो अब इस पर आप लगा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ये तरीका है, काफी गहनता से काम किया गया है इस पर, तब बात समझ में आई। सात नेम शेष कितने बचे, जीरो से। और जब जीरो शेष बचेगा क्या पहली बार में जीरो जोड़ भी दोगे तो भी क्या रहेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर ऐसे है, दोनों में अंतर करके मैंने कंपेयर करके क्वेश्चन लिखा है, आप चाहे किताबों में चेक कर ले, पहले किताबों में जाके फिर चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच करके मान लो, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन लिखो, दोनों के ऐसे करीब में लिखो, समझ गए बात को, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात का, लेकिन वहां पर आप कभी मत लगाओ, पहले आप चेक करें किताबों में जाकर, तब आप लिख करें बात का। नोट कर लिया जी, आगे बढ़े। चलो जरा ध्यान देंगे, इसको हटा दे रहा हूं। अब एक कंसेप्ट और नया है, जरा उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। ये इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत इजीली पूछा जा सकता है, 63वां दिन पूछे तो पीछे का दिन हो, वहां शब्द जब भी पूछेगा तो आप एक दिन पीछे जाओ और उस पर सात का भाग लगाओ, वहां पर मत लगाओ, ये बात मैंने लिख दी थी वहां पर क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। वहां पर मत लगाओ, 64 पर लगाओ, वो वहां जो आया होगा वो 64 दिन के बाद आया होगा, ऐसे दिमाग में रखो। काफी गलतियां की हैं पहले और तब जाके ये सीख पाए कि हाँ बात सबका चल क्या रहती है, ठीक है ना। कोई एक दिन में सीख हुई बात नहीं होती है, क्योंकि छोटी छोटी कंपेयर की हुई चीज है ना, बहुत दिक्कत करती है बाद में। अगला सुनो कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट ये है, एग्जाम्पल तौर पर समझे बात को, जैसे हमने कह दिया किसी बच्चे का आज जन्म हुआ, आज दिन क्या है, सोमवार हुआ, ठीक है। अब एक बच्चे का जन्म, यहां से ध्यान दो कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, एक बच्चे का जन्म जो है वो 4 दिन पहले हुआ था, एक बच्चे का जन्म 4 दिन पहले हुआ था, तो बताओ ये बच्चा बड़ा होगा या छोटा होगा, आज वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा। अभी भी क्लास में बात ये कह रहा है छोटा हो, मतलब 4 दिन पहले जो पैदा हो रखा है वो छोटा हो, बड़ा हो गया यार, सर्टिफिकेट बेटा वो तुम्हें पहले मिला था। तो बेटा ये ऊपर वाला जो होगा वो बड़ा हो, कितने दिन बड़ा होगा, 4 दिन। तो 4 दिन पीछे जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 बड़े वाले, तो सोमवार में से 4 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये रविवार, ये शनिवार, ये शुक्रवार और ये बृहस्पतिवार। और बेटा आप किसी बच्चे का जन्म 4 दिन बाद हो, मान लो 4 दिन बाद हो, तो बताओ ये छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा, नहीं होगा। तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ 4 दिन घटाए थे, है नहीं, और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो सोमवार के बाद रविवार, सोमवार के बाद मंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते चलिएगा बात को, मैं कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये 4 दिन जोड़ लूंगा। तो मैं सीधे सीधे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बड़े वाले की तरफ जाओगे तो आपको घटाना है, और छोटे वाले की तरफ जाओगे तो क्या करना है, जोड़ना है। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अब आएगा, लिखो जरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, मोहित का जन्म किसी वर्ष रविवार के दिन हुआ, उसका भाई उससे 515 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन उसके भाई से
311 दिन बड़ी है तो उसकी बहन का जन्म किस दिन हुआ? तो उसकी बहन का जन्म किस दिन हुआ? 311 तो उसकी बहन का जन्म किस दिन हुआ पता है साहब? तैयारी का वास्तविक समय तब तक निकल जाता है समझते समझते कि हम परेशान, इसलिए समय से तैयारी कर रहे हैं तो समय से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जिसकी एज निकलती है उसको पता होता है कि क्या होता है तैयारी। शुक्रवार तो जरा ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर बेटा, मैंने देखा तू किसी वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोहित है और मोहित का जन्म कब का है? रविवार को। अब उसका भाई जो है ना वो मोहित से कितना बड़ा है? 515 दिन बड़ा है। तो ऊपर ही तो लिखूंगा 515। ये 515 का गैप है देखो बीच में, और ये उसका भाई हो गया, और उसकी बहन जो है ना उसकी बहन उसके भाई से भी कितनी बड़ी है? 311 दिन बड़ी है। 311 दिन उसके भाई से भी उसकी बहन। तो वो पूछ रहा है कि उसकी बहन का जन्म किस दिन हुआ। तो ये इतने दिनों का गैप हो गया नहीं हो गया? ओवरऑल अगर दिनों का गैप देखो कितना हो रहा है बताओगे? अगर हम अलग जोड़ दें या यही जोड़ दें? दोनों जोड़ रहे हैं। देखो 5 और 1 6 और 1 1 2 और 5 3 और इनको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेष मिलेगा वही हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे, बड़े वाली तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे वो लिखा देंगे घटा देंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 कितना बचा? 12 हो गया। 7 1 7 कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, और ये 56 हो गया। 7 8 56 56 कुछ बचा क्या? जीरो शेष बचा। अब जब शेष ही जीरो बचा है तो आपको सीधे सीधे आंसर भी कहां मिल जाएगा? सीधे सीधे रविवार। उसकी बहन का जन्म भी क्या है? रविवार वाले ही दिन हुआ। उसकी बहन का जन्म भी कब हुआ? रविवार वाले दिन। सही है, आया था किसी का रविवार? ठीक है, नोट कर लीजिए। जल्दी करो, ठीक है आगे बढ़े जल्दी। कहीं अगर समझ में ना आता हो तो एक बार समझ लो, कंसेप्ट में पहले बता देंगे। ये कंसेप्ट बता दिया हर बच्चे का आंसर आएगा। अब एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि सप्ते टू सप्ते चलने पर सेम डे मिलता है नहीं मिलता है? मान लो आज एक तारीख है और एक तारीख को हमने रविवार लिख दिया तो 7 दिन जोड़ दे हम तो 8 तारीख को क्या रविवार नहीं मिलेगा? फिर 7 दिन जोड़ दे बेटा तो क्या हमें 15 तारीख को रविवार नहीं मिलेगा? फिर 7 दिन जोड़ दे तो हमें क्या है 22 तारीख को रविवार नहीं मिलेगा? तो सप्ताह टू सप्ताह चलने पर हमें सेम डे मिलता है। ठीक है ना, सप्ताह टू सप्ताह चलने पर सेम डे मिलता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो लिखो हाँ देखो देखो पुनीत का जन्म किसी वर्ष 14 फरवरी 2001 को हुआ। 2001 को हुआ। उसकी बहन उससे 75 सप्ताह 15 दिन बड़ी है। उसकी बहन उससे 75 सप्ताह 15 दिन बड़ी है। उसकी बहन उससे 75 सप्ताह 15 दिन बड़ी है। ठीक है,
तो उसकी बहन का जन्म किस दिन हुआ, तो उसकी बहन का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है, पुनीत का जन्म इसी वर्ष 14 फरवरी 2003 को हुआ। उसकी बहन उससे 75 15 दिन बड़ी है, तो उसकी बहन का जन्म किसने हुआ, एक क्वेश्चन बोला था देखना एक बार का, देख लो यार बुधवार अब समस्या ये है, कुछ लोग ये कहते होंगे सर हमें ये नहीं पता लग रहा पुनीत का जन्म ही किस दिन हुआ है, पहले इनको ना पता लगे तभी तो ऊपर नीचे जा पाएंगे वहां पर। कितने लोगों को ये नहीं लग रहा पता जो पुनीत का जन्म है वो किस दिन हुआ है, कितने लोग नहीं समझ पाए इस बात को, तो देखो जो लोग नहीं समझ पाए उनको समझना चाहिए था हमने दिन नहीं बताया तो क्या हुआ, हमने 2001 14 फरवरी 2001 डेट तो बता रखी है, क्या इन हमें इस डेट से क्या मैंने दिन निकालना नहीं सिखाया तो फिर इंतजार किस बात का था, अब तक तो कर लिया होता, ठीक है ना, इस पर ऑरेंज बैंड लगाते और सीधे यहाँ पर देखो 7 2 14 खत्म हो गया, 2001 है तो फरवरी का कोड भी 4 हो जाएगा, वो भाग जाएगा नहीं, 01 उतार लेते परसों की संख्या 00 और 2000 का कोड 6 5 7 6 1 7 खत्म हो जाता, 14 दिन क्या होता है बुधवार, ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ये देखो बताए थे नहीं बताए थे कौन सा आगे 14 दिन बुधवार, तो 14 फरवरी 2001 को बुधवार था, 14 फरवरी 2001 को क्या था बुधवार था। अब उसकी बहन उससे कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है 75 सप्ताह 15 दिन बेटा ध्यान दो, देखो अगर केवल 75 सप्ताह होते तो सप्ते के बीच में सप्ते का गैप होता तो सीधे क्या सेम डे नहीं मिल जाता, अगर ये 15 दिन नहीं होते तो ये 75 सप्ताह पड़ी होती तो ये बुधवार को जन्म हुआ इसका तो उसको भी कब माना जाता बुधवार को ही, लेकिन ये 15 दिन से हमें शेष दिन निकालने पड़ेंगे, कितने शेष दिन निकल रहे हैं, जब मैंने 7 से इसको डिवाइड किया तो कितना शेष बचा, 1 शेष बच गया, और जब 1 शेष बच गया तो 1 दिन में पीछे चला जाऊंगा, और जब 1 दिन पीछे जाऊंगा तो ये दिन कौन सा होगा मंगलवार, उसकी बहन का जन्मदिन होगा मंगलवार, पूरी क्लास जो पढ़ेगा ना उसको पूरी बात समझ में आएगी, बाकी लोग तो अपने मन काटना है काटने रहोगे काट, ठीक है ना, पूरी क्लास जो पढ़ेगा उसको समझ आएगी बात क्या। देखो एक बात जानते हो इस बार किसी भी एग्जाम में ना किसी भी एग्जाम में लाखों में फॉर्म पढ़ते हैं पर नौकरियां लाखों में थोड़ी लगती है, ठीक है ना, तो क्लास में भी सबको बैठते हैं 50 में बैठते हैं, पढ़ने वाले तो 2-4 ही होते हैं, ठीक है ना, बाकी लोग तो अपने जूझ रहे लड़ रहे पढ़ाई से, हाँ और क्या ऐसे ही चलता, लेकिन अगर वो लंबा समय देते हैं तो फिर वो आते हैं आगे निकल के, ऐसे तो एक दिन में कोई अगर जीनियस बन जाता तो सब साइंटिस्ट होते हैं भारत में, अब भारत पता नहीं कहाँ पहुंचा होता है, होता है एक दिन में कोई ना जीनियस बन जाता पर समय दो तो हर कोई जीनियस बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको बढ़ा, तो कभी कभी वो दिन नहीं बोलेगा आपसे, जब दिन ना बोले तो क्या दिक्कत है, हम दिन निकाल लेंगे कि हमने तो सीखा है ना इसको, तो दिन निकाल दिया मैंने बुधवार और सीधे में पहुंच गया कहां पर मंगलवार। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है करके दिखा दूंगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है देखो, है कोई बात नहीं आपने, देखो 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, फिल्म देख रहे हो वैसे 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, ठीक है ना, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही
सिनेमा देखने जाती है, ठीक है। यदि आज सप्ताह भाई केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है ऐसा लिखवाया तो पूछ रहा है आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। बिलीव मानो बच्चे पेपर में जब बैठे होते हैं ना तो वो जिस दिन पेपर देते होते हैं उसी दिन को लिख कर चले आते हैं, यार तो जे दिन है जिस दिन पेपर देते हो तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं क्या कह रहा है आज के दिन की पूछ रहा है, आज पेपर तो आज पेपर चल रहा हमारा आज का ही दिन लगा के चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग भी नहीं जिताया हो तो हो सकता आप भी लगाया, ठीक है, कोई अलग बात ना है। तो 9 दिन पहले मोहिनी गई सिनेमा देखने, मान लो ये आज की बात है, ये बात होगी आज की। अब मोहिनी गई है 9 दिन पहले, तो आप चाहो तो बेसिक से कर लो बताइए ना, तो सात नगर काट सकते हो अभी, लेकिन हम बेसिक से जा रहे हैं, ध्यान दो। एक दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, चार दिन पहले, पांच छह सात आठ नौ, और जिस दिन सिनेमा देखने गई है ये सिनेमा यही देख रही है, कौन सा दिन है ये, गुरुवार का है, सही है। यही दिन तो गुरुवार वाला दिन था, 9 दिन पहले की थी, कह रहा आज बताओ कौन सा दिन है। तो अगर ये गुरुवार तो ये कौन सा हुआ, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, आराम से आ जाओ कोई भी दिक्कत नहीं होनी और ये शनिवार आंसर हो जाएगा, पॉइंट भी नोटेड फटाफट आंसर, ठीक है ना। सात से डिबेट वगैरह वगैरह ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश ना करें, बहुत सही है इसको ही करना, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत परेशानी इसको उतार लेगा नहीं हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या बताना होगा मैं बता दूं ना, मोहिनी सिनेमा देखने 9 दिन पहले गई, तुम आज का दिन अलग रखो सेम, ठीक है ना। अब आज से ही तो 9 दिन देखोगे आगे, भाई आज के बाद जो भी 9 दिन है 9 दिन पहले गई है, तो एक दिन दो दिन तीन दिन आज 12 दिन काउंट कर लो, ठीक है। एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन सात दिन आठ दिन 9 दिन पहले गई और जो गुरुवार था, अब हमें गुरुवार से आगे जाना होगा, तो जब आप दिन को आओगे तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, आम छोड़ेंगे हम बोले लगाते ही करते हैं, हम ज्यादा इसमें पी एच डी करने की कोशिश नहीं करते, सही है। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेगा, देखो यदि आने वाले कल के तीन दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाले कल के तीन दिन बाद शुक्रवार है तो लिखेंगे, तो बीते हुए कल से तीन दिन पहले कौन सा दिन था, तो बीते कल से तीन दिन पहले कौन सा दिन था बताओ भाई। ये अभी भी आपसे इतने हल्के क्वेश्चनों के आंसर लगा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा भाई है शुक्रवार, और लड़कियां पति जवाब नहीं देती हैं जबकि एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेडी फर्स्ट होता नहीं होता है, हाँ पढ़ाई में फर्स्ट नहीं बाकी काम में फर्स्ट, जवाब दे जल्दी फटाफट जवाब दे। लोगों के आंसर आ गए, क्या आंसर आ रहे,
ठीक है जो आ रहा है अच्छी बात है। देखो यदि आने वाले कल के तीन दिन बाद शनिवार जब भी आगे पीछे वाले जो भी बात करे के बाद कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सुन लो पूरी बात। इसमें कुछ किताबों में के बाद और से बाद का फर्क पड़ेगा पर वास्तविकता में इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हाँ इधर ध्यान दो, आने वाले कल की चर्चा करो चाहे बीते कल की चर्चा करो, हमेशा करना आज से। किससे करोगे? आज से। तो आज का एक स्पेशल डे अपनी तरफ से ले लिया करो। अब आज के बाद जो भी होगा कारनामा देख लेंगे। यदि आने वाले कल तो आने वाला कल ही हो गया, नहीं हो गया? आने वाला कल ही हो गया। आने वाले कल के कितने दिन बाद? एक दो तीन दिन बाद क्या है? कुछ बच्चे देखो यहाँ क्या करेंगे, एक दो तीन लेंगे, सुनो एक दो तीन लेंगे और तीन दिन बाद वो अगला दिन ले लेते हैं, वो काम बंद कर दो, वो काम खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ये तीसरा ही दिन आपको तीन दिन बाद वाली कंडीशन दर्शाता है, ठीक है ना। कुछ किताबों को कंडीशन दी है इसलिए मैं बता रहा। तो आने वाले कल के तीन दिन बाद, एक दो तीन दिन बाद, ठीक है। क्या है? शुक्रवार है। तो कह रहा बीते कल से, अरे तो बीता हुआ कल भी तो आज से ही पता लगेगा कहाँ है। ये है बीता कल, और बीते कल से कितने दिन पहले? एक दो तीन दिन पहले। भाई हम तो देखो बोले से चलते बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि इसमें ट्रिक भी है साथ से डिवाइड करने वाली, पर हर जगह मत लगाओ। शुक्रवार से पीछे जाना ना बेटा इधर को, तो उससे पहले बृहस्पति होता है, बुध होता है, मंगल होता है, सोमवार होता है, रविवार होता है, शनिवार होता है, शुक्रवार होता है, और ये कौन सा होता है? फिर से बृहस्पति बाद हो जाता है, आंसर है, ठीक है ना। जल्दी नोट करो। कुछ लोग पता क्या कहेंगे, अरे ऐसे सात दिन थे यहाँ से, सात दिन कितने बजे तुमको आठ बजे, अरे क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, हम तो जा सकते हैं पर तो ऐसे ही जाएंगे, ठीक है ना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती ऐसे केस में। बताओ कोई प्रश्न होगा? ये समझ में आया नहीं? आप बताओ कहाँ समस्या हम कर दिए आपने? आज से कोई मतलब नहीं, आज केवल उसको आगे पीछे के लिए रखा गया है। आज का दिन केवल आगे पीछे जाने के लिए रखा गया है। समझ आया? ये इस कंसेप्ट में बनने वाले क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखो जरा आप बताने वाला क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट। लिखो गत कल से अगले दिन, अगले दिन अभी रुक जाओ, अगले दिन से पहला दिन, गत कल से अगले दिन से पहला दिन, ठीक है ना, अगले दिन से पहला दिन शनिवार से तीन दिन बाद है, ठीक है बेटा, तीन दिन बाद है, तो आज कौन सा दिन होगा? तो आज कौन सा दिन होगा? ये होगा आज कौन सा दिन होगा, जल्दी बता दो। इस वाले क्वेश्चन पे अगर किसी के पास तो सात से डिवाइड करने वाली ट्रिक है वो रखी आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इसी के चक्कर की वजह से मैंने ट्रिक को बताना नहीं चाहता, वरना मैं भी ट्रिक बता देता डायरेक्ट। मंगलवार सातों बता दे चलो जरा ध्यान दो। देखो ध्यान देंगे बेटा, कंसेप्ट कम होते चले जा रहे हैं, आज टेंशन ना ले। मैं चैप्टर की हर वो चीज जो जरूरी थी सारी बता चुका हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। इधर देखो बेटा, यहाँ प्रश्न ना जब कल का मतलब होता बीता हुआ कल, जब कल का मतलब क्या होगा? बीता हुआ कल। गत कल बोले, ध्यान दें, गत कल कहीं पर भी बोले इसको बॉक्स मार देना चाहिए। गत कल बोले, बीता कल बोले और पहले बोले, इनमें से कोई भी बात बोले ना आप हमेशा पीछे वाला बोलेंगे, इनका सबका मतलब होता है पीछे। अलग लिख लो बॉक्स में, बाद में चक्कर में पड़ जाओगे। कल बीता कल पहले, इन सबका मतलब होता है पीछे।
ठीक है ना, पीछे वाले दिन की बात कर रहा हूँ। आप सुनो देखो क्वेश्चन में कैसे करके जादू ही फटा था इसमें, चल क्या रहा था इसमें बड़े समझे ना कंसेप्ट को। उसने कहा गत कल, मैंने पहले बोल रखा है गत कल पर जाओ चाहे परसों पे जाओ, आज पहले आज का पता कर लो। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, आज का पता कर लो, आज के लिए वॉक कर रहा हूँ। अब ये हो गया गत कल, देखो गीता कल मैंने बताया ना गत कल होता है, ये कौन सा कल हो गया गत कल। अब वो कह रहा है गत कल से अगले दिन, अगले दिन यही तो होगा, यही तो होगा, ध्यान दे सारे लोग, गत कल से अगला दिन, ये अगला हो गया। अब वो कह रहा अगले दिन से पहला दिन, बताओ किधर होगा, बस यही धोखा खा जाओगे जो आगे चला गया अगले दिन से पहला दिन। और पहले का मतलब मैंने बता दिया क्या है, पीछे, तो इसका मतलब ये पीछे वाले ही दिन को रिपीट कर रहा है, गत कल से अगला दिन, अगले दिन से पहला दिन, ये तो पहला दिन है ना बेटा, ये शनिवार से तीन दिन बाद है, तो इसका मतलब एक दो तीन ये शनिवार होगा और शनिवार से तीन दिन, एक दो तीन दिन बाद है, समझे नहीं समझे। आज कौन सा दिन है ये पूछा है प्रश्न, पेपर का आया क्वेश्चन है, ये शनिवार हो गया, ये कौन सा होगा रविवार, आगे चल रहा है सोमवार मंगल और ये, तो आज बुधवार होगा, इसमें आंसर जल्दी बेटा, ठीक है ना। अगले पहले ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है इनका यहाँ पर कोई तुम्हारी इतनी को सब रखे रह जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, नोट कर ले जल्दी से, लाइट सपोर्ट नहीं कर रही है बस ये दिक्कत है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब तक की क्लास में बताओ, कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, आज का दिन मानने के बाद उसके बाद कितना भी आगे बोले कितना भी पीछे बोले आप आराम से जा सकते हो, बोले लगा रहा सही है, किताबों को प्रैक्टिस करके देख लेना करेंगे अपने आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, गत कल से अगला दिन, अगले दिन से पहला दिन, वो इस बारे में पहला दिन बच्चे आगे चले जाते हैं बस यही दिक्कत हो जाती है, फिर उनको आगे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सही है। चलो आगे बात करें, हटाए इसको, नोट कर लो सही से, कैलेंडर का जिसने नोट बना रखा होगा वो किसी भी किताब से मैच कर लेना, कैलेंडर के क्वेश्चन को बंदा लगा पाएगा, ठीक है ना। हाँ जिसे नोट बना रखा होगा पूरा, ऐसे नहीं का नाम कहीं पे कोई चीज लिख दी है कहीं कुछ लिख दिया है तो नहीं हो पाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें कहता है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ये वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा देखो आपको बेहतरीन तरीके से ये कैसे तैयार कर लेता हूँ, मैंने कह दिया किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है, हो सकते हैं, कौन कौन से ध्यान देंगे, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अब ये वाला प्रश्न जब आता है तो उसमें चार ऑप्शन रखे होते हैं, किसी बच्चे को नहीं पता होता, ठीक है ना। मान लो उसने ऐसे करके सोमवार लिख देता है ए ऑप्शन में, बी में बुधवार लिख देता है, सी में रविवार लिख देता है, डी में शुक्रवार लिख देता है, आप बताओ इसमें कौन सा होता है। जब पढ़ के नहीं जाते तो दिक्कत होती नहीं होती, हमें क्या पता कौन सा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, ठीक है। इसका जवाब है किसी के पास, अभी है किसी के पास जवाब नहीं है तो हम बता रहे, इधर ध्यान दो सब लोग ध्यान दो, जैसे आपने देखा होगा जब न्यू ईयर आती है, न्यू ईयर ठीक है, नई साल आती है, तो जब भी हम लोग पूर्णागिरी वगैरह जाते हैं, जाते नहीं जाते, तो लोग दर्शन करने जब जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं सबसे पहले हमारे दर्शन हो जाए माता रानी से, हो ना, 31 तारीख को जाग लाइन में लग जाना, मुझे मारधार चालू कर देंगे, ठीक है ना, फाइनल दर्शन अपना होना चाहिए तारीख को। यानी हर कोई ये चाहता है कि भगवान पहले दिन हमारे घर, हर कोई चाहता नहीं चाहता है, मान लो ऑफर मिल जाए मोदी जी आ रहे हैं गाँव में और किसी के घर भी आ सकते हैं तो सब लोग तैयार रहेंगे, हमारे घर में आएगा तो व्यवस्था हम अपने घर अच्छी से कर लेंगे, होता ना होता है, तो हर कोई ये चाहता है, मान लो तो हर कोई ये चाहता है कि भगवान सबसे पहले हमारे घर आए, ना भगवान को रेट कर रहा है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे जितने भी भगवान के दिन होते हैं जैसे सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार, ये जितने भी भगवान के दिन है ये किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। बताओ सोमवार किसका दिन है,
अरे शिव जी कहानी है अभी तो जलवा चलना भाई इसका अभी तो इसका जलवा चलना चलना ठीक है। मंगलवार किसका? हनुमान जी का। बृहस्पतिवार किसका? विष्णु जी का। शनिवार किसका? शनिदेव का। हनुमान जी दोनों का ही होता है नहीं? तो जितने भी भगवान के दिन होते हैं किसी भी शताब्दी के पहले दिन होते हैं। अब क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, आप इधर पूछेगा किसी निम्न में कौन था जो किसी भी शताब्दी का प्रथम हो सकता है, आपको ध्यान आएगा भगवान के दिन से जो प्रथम हो सकते थे, ठीक है ना, तुरंत बताओगे। और उसमें भी भगवान सब देखो जेंट्स भगवान चलेगा, लेडी भगवान ही चलेगा कोई नहीं, ठीक है। देखो शिव जी, हनुमान जी, विष्णु जी, शनिदेव है ना, किसी भी शताब्दी के कोई जो भी होंगे वो प्रथम दिन सभी भगवान के दिन होंगे। समझ आ रही ना आपको बात भाई? इस कंसेप्ट से आप कभी भी भूलोगे नहीं, मैं बता रहा कभी भी नहीं भूलो, कोई भी भूल ले आपको किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? मैंने हमेशा पॉजिटिव वाली बात रखी है, नकारात्मक बात नहीं रखी है। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, ये बात अगर जाननी हो हमें, ठीक है ना। तो जो प्रथम दिन है ठीक है वो तो यहाँ आ गए, तो बचे हुए दिन क्या होंगे? तीन दिन होंगे। आप दिमाग लगाओ, वो शताब्दी का अंतिम दिन हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकोप किसका है आप बताएं? सबसे ज्यादा प्रकोप किस भगवान का है? जाओ दो चार पीते बैठ के तो जय शंकर की अपने चलती रहती है, धुआंधार बैठे कहते ना चलते। शिव जी का जलवा सावन में पूरे तांडव इस समय मचा पड़ा, भाई साहब किसका जलवा? शिव जी का। तो शिव जी कह रहा है हमारा ही जलवा कायम है तो हम तो भैया इस दिन भी आवेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है, सोमवार डिपेंड ऑन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा फिर, ठीक है ना। सोमवार दोनों जगह आएगा, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। आप सब लेडीज भगवान ठीक है, एकदम देखो बुधवार, ठीक है ना, एकदम देखो शुक्रवार, रविवार किसी भगवान का दिन है क्या? सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का। अच्छा, मैक्सिमम लोग ना नहीं मानते हैं कोई दिन, तो कहते हैं आज हमारा ही दिन है, रास्ता वाला दिन है, समझे नहीं? मैं बहुत तुम लोग कभी सोमवार फिर मंगलवार डेली बताने लगते हो आज रविवार है, ठीक है ना, आज व्यवस्था फॉल होगी एकदम, आप समझ लो को राक्षसों का दिन है, ठीक है ना, रविवार समझ जाए, ऐसे करके आप ध्यान रखती हो। तो किसी भी शताब्दी के जो अंतिम दिन हो सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार रविवार, बाकी दिन आगे शुक्रवार, ठीक है ना। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रखो, आप वो याद रखो जो अपने आप याद रखो, फिर क्वेश्चन आ जाए आप उड़ा उड़ा के मारो, ठीक है ना। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। अब ऐसे करके क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो जब नहीं हो सकता तो हो सकता वाला आपको पता है, तो नहीं हो सकता तो कोई नहीं, मेरे तो कोई एक होगा, आप आराम से बता दो। मान लो यही ऑप्शन है आपके सामने चार, मेहरा टेंशन भी ये चार ऑप्शन आपके सामने हो, मैंने क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो अंतिम दिन भी है, इसलिए आपने पकड़ी बात सोमवार को अंतिम दिन में भी आ रहा है, मतलब ये नहीं भी हो सकता है नहीं, क्योंकि अंतिम दिन है। ऐसे करके आप हो गया अपने आप एज्यूम कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना शताब्दी के प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी 2000 हो सकता वाली बात दे रहा हूँ, हाँ ये बात यही सही है। अंतिम दिन का मतलब 2099 का 31वां दिसंबर अंतिम दिन का मतलब, ये इधर देखो, इधर देखो 1 जनवरी 2000 31 दिसंबर 2000 ये शताब्दी तो है, दोनों शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन है, लेकिन यहाँ कन्फर्म आंसर नहीं होता, ये हो सकते हैं ऐसा प्रश्न करेगा आप निकालोगे तो कुछ और भी आ सकता है, हम ये गारंटी से नहीं करेंगे यही वाले दिन होंगे, हो सकते हैं इसीलिए तो उसने हो सकते हैं हाँ इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो, ठीक है ना। ये है अगला पॉइंट, लगवा भी ये अगला पॉइंट समझ में आ गया, इस वाले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत?
क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। अंतिम खत्म ठीक है, अगले चलो। अरे बातें कम करो, क्वेश्चन पर ध्यान ज्यादा दो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शताब्दी के अंतिम वर्ष, लिखो किसी पॉइंट को किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, पहला दिन होता है वही अंतिम दिन भी, वही क्या होता है अंतिम दिन भी होता है। ये लो बेटा ध्यान दो, किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। हाँ साधारण वर्ष का, इसका ध्यान दें साधारण वर्ष का, जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को दिन होगा ठीक है ना। जैसे वो कह दे कि 1 जनवरी 2015 को रविवार है मान लो, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, आप तुरंत समझ जाओगे ये तो साधारण वर्ष का ही बात कर रहा है, यानी पहले दिन को रविवार दे रहा है और 31 दिसंबर को पूछ रहा है तो रविवार ही बता दोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं निकाल निकालने की, ज्यादा नहीं सोचेगा, काम करिएगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा ठीक है ना। ये वाला पूछा भी जाता है। अगला पॉइंट देखो, किसी भी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उसका अंतिम दिन एक अंतिम दिन पहले दिन से एक ज्यादा होता है ठीक है। उदाहरण बता रहा है तुम्हें दोनों को, 1 जनवरी 2015 को मान लो रविवार है, तो आप बताएं 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, रविवार ही होगा, बस समझ जाओ ठीक है। अगर हम कह दें 1 जनवरी 2000 को सोमवार है तो बताओ 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, बताओ एक दिन एक्स्ट्रा होगा बेटा, क्योंकि 29 फरवरी आ गई होगी ना बीच में, 29 फरवरी आ गई होगी, उसने एक दिन बढ़ा दिया होगा, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा। कोई दुख परेशानी आपत्ति, कोई दुख परेशानी आपत्ति। अगला क्वेश्चन लिखो बोलूं क्या, बोलो क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाता ना तो अपने टाइम में हो सकता सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ाता होता, आपको लगता बहुत बढ़िया पढ़ाया तुम आराम से सबसे, सब कुछ थोड़ी बहुत टीचर को पता होता है ना सब कुछ कितना है, सब कुछ कितना है, जब आप किताबों में जाके ढूंढते हैं तो आपको पता लगता है ये तो हमने देखा तो नहीं था है नहीं, तो वो सब कुछ पढ़ाते नहीं और बस कह के चले जाते हैं सब कुछ पढ़ा दिए, तो सब कुछ पढ़ाने की थोड़ी स्पीड भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी मेरे क्लास में, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रहती है क्योंकि ठीक है ना, मैं चाहूँ तो जैसे मुझसे कहा जाए कि आपको 2 दिन में कैलेंडर खत्म करना है तो मैं 2 दिन में ही कर दूंगा, सामने वाला भी तो तैयार हो इस बात से ठीक है ना, ये भी तो मैटर करता, मैं अपनी फारसी पढ़ के चला जाऊंगा सामने कुछ ना पता लगे तो क्या मतलब बनता है नहीं। हालांकि मैंने इन 3 दिनों में पूरी कोशिश की है कि एक बच्चे को क्वेश्चन करना आना चाहिए कैलेंडर के, कम प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम ही स्पीड होगी आपके पास, अदरवाइज कैलेंडर की स्पीड बहुत अच्छी है ठीक है ना, आप बहुत तेज क्वेश्चन लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप ये कितना मेहनत कर रहे हैं घर जाके। चलो अगला क्वेश्चन लिखो किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, ये टाइप के क्वेश्चन रह गए, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन
लेकिन 18 लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है, लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है, 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है, जबकि जबकि उसकी बहन को याद है कि जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिवस उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पढ़ता है, के पहले पढ़ता है। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप भी लिख लो। किरण के भाई का जन्मदिन किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पढ़ता है? ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना पड़ा है, लग नहीं पता तो बता था तो बहुत किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है। ठीक है, वो तो बहुत बताएगा। किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पड़ता है? 17। मैक्सिमम लोगों का आंसर 17 है। जी जी, सुनो तो पहले कोई बात, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद। बेटा ध्यान देंगे, अगर 15 फरवरी के बाद है तो 15 फरवरी को तो नहीं है नहीं, तो बाद में 16 तारीख भी हो सकती है। 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है, 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं है, यानी 16 को भी हो सकता है, 17 को भी हो सकता है, 18 को भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 18 के बाद नहीं है, 19 को नहीं है, 18 को तो हो सकता है मेबी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये किसने कहा था? किरण ने कहा था। अब क्या करें, किरण की पहन कह रही है, वो कह रही है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद। अब 16 फरवरी के बाद उसकी बहन का 15 तारीख को इनने खत्म नहीं कर दी, इनने तो 16 तारीख ही खत्म कर दी, कह रहे 16 के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले। तो 19 फरवरी के पहले तो भाई साहब आप बताओ 19 को तो नहीं है, नहीं ये 18 तारीख की है, 17 तारीख की है। तो कैसे आइडिया लगा लोगे आप बताओ, जल्दी बताओ। अठारह फरवरी के बाद नहीं है ना, तो 18 को तो हो सकता है, अपवाद है बताओ। बात अपवाद की नहीं है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाता, किरण को याद, इधर ध्यान दो, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले नहीं है, पहले नहीं, 18 फरवरी के पहले है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता है यहाँ, ये बात नहीं करता, बाद नहीं, 18 फरवरी के पहले है। हाँ ध्यान दे, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे, एकदम 17 लगा के चले जाओ कुछ नहीं पता लगेगा। अगर वो कहता लेकिन 18 फरवरी के पहले तो हम देखते कि 18 तो नहीं है, फिर कौन से बोलता 17 है नहीं, लेकिन उसने बोला 18 फरवरी के बाद नहीं है, तो 18 को तो हो सकता है, हो सकता नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस बात पर आप लोग? ये फंसा हुआ क्वेश्चन था, जानबूझ के दिया गया क्वेश्चन है, 17 करवा जाते तो 17 भी कर देते हैं, लेकिन आगे कह रहा है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है, तो 19 फरवरी के पहले 18 17 दोनों डेट आ रही है, और तारीख को इसमें इस तरह 18 दोनों आ रहे हैं, तो भाई साहब ज्ञात ही नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते, ये दोनों तारीखें आ रही है, तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े पर्याप्त है पर ज्ञात ही नहीं कर सकते। एक ऑप्शन और देगा, आंकड़े आप पर्याप्त, वो लगा के बस, आंकड़े तो उसे दिए हैं,
आप ना समझ पा रहे हो तो क्या बात है, हम यहाँ ज्ञात ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन सी तारीख से फाइट कर रहे हो। सही है, लगाओगे सत्र आप क्या ऐसे हवा में ना लगा दी, थोड़ा ध्यान भी देके लगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ये किसी का और बराबर है, जोड़ा बराबर है, ताकि सब लोगों को पता लगे सच्चाई क्या है। हम बोल के करा रहे हैं इस बार, लिखेंगे नहीं लिखो। राधा को याद है कि, राधा को याद है कि, लिखो जरा, राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 मार्च के बाद राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 मार्च के बाद, लेकिन 21 मार्च के पहले है। 16 मार्च के बाद लेकिन 21 मार्च के पहले है, सही है। जबकि उसके भाई फिर से रिपीट कर दीजिए। राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 मार्च के बाद, लेकिन 21 मार्च के पहले है। जबकि उसके भाई महेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 19 मार्च के बाद हाँ, जबकि उसके भाई महेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 19 मार्च के बाद लेकिन 22 मार्च के पहले पड़ता है। 19 मार्च के बाद लेकिन 22 मार्च के पहले पड़ता है, 22 मार्च के पहले पड़ता है, 20 तो उसके पिताजी का जन्मदिन मार्च की किस तारीख को पड़ता है, वही हो गया 20 और 21, दो दिन आ गए। तो उसके पिताजी का जन्मदिन मार्च की किस तारीख को पड़ता है, इसमें भी दो दिन आ रहे हैं, तो इसमें एक आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि किस मार्च से पहले का बताएंगे कि उसके पिता का जन्मदिन, पिताजी का जो जन्मदिन है, राधा जी क्या कह रही है, राधा जी ध्यान दे बेटा, राधा जी कह रही हैं, क्या कह रही है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 मार्च के बाद, 16 के बाद और 21 से पहले है, 16 के तो बाद है और 21 से पहले, तो क्या 21 को होगा, 21 से पहले और 16 के बाद, क्या 16 को होगा, नहीं होगा। तो डेट है 17, 18, 19, 20, ये तुम्हें। अब आया महेश, महेश भाई क्या कह रहे हैं सुनो जरा। महेश कह रहे हैं नहीं तुम्हें नहीं पता पिताजी का जन्मदिन, पिताजी का जो जन्मदिन है 19 मार्च के बाद है बेटा, हमने तो इधर की सारी डेटें खत्म कर दी, 19 के बाद ही बता रहा है ये, मतलब 19 को भी नहीं है, और कह रहा है 22 से पहले है 22 को भी नहीं है। अब आप बताओ इसके हिसाब से 21 और 20 तारीख रखी, 21 के लिए वो मना कर रही है जी। है नहीं, तो वो कौन सी तारीख है जिस पर दोनों लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, 20 तारीख ऐसी कॉमन डेट है जो दोनों के डिसीजन में आ रही है, आ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20। समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद वाले पर ध्यान देना, वो क्वेश्चन फंसाता है सबको, लगता है इसी टाइप से कर रहा है क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन अपनी अलग ही बात करता है, सही है जी। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है लिखो। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आए, 1200 बार,
सोच समझ काम कर दो। पाँच सोच समझ काम कर दो। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख को मिला, इसको हटा दो बेटा। जी सर। कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है। हम लगभग लगभग अपने कैलेंडर के सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना? बताओ। 44-97 भी आंसर आया किसी बच्चे का, और बताओ। 44-97 3400 एक भाई का आंसर आ गया 3400। और बताओ, और बताओ। 29 तारीख की बात कर रहे हैं, 29 फरवरी की बात ना कर रहे हैं, 29 तारीख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सुनो बात को आप बेटा, अरे सुन लो, एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आते हैं? एक वर्ष में 29 तारीख। बहुत बढ़िया, बड़े होशियार लोग बैठे क्लास में। सुनो, एक वर्ष में देखो 29 तारीख 11 बार तो कंफर्म है नहीं है? 11 बार तो कंफर्म है नहीं है? आप दिमाग लगाओ, फरवरी में तो नहीं होगी है नहीं? तो 11 माह में तो लगातार आनी आनी है, फरवरी को निकाल दोगी। फरवरी सब मान लो, सबकी सब फरवरी 28 की है, तो 11 बार तो आएगा एक साल में, और एक साल में 11 बार तो आएंगे नहीं आएंगे। अब एक साल को 11 को नहीं, आपको 400 बनाना है। एक को कितना बनाना है? तो क्या रूल के अकॉर्डिंग 400 से गुणा करेंगे ना करेंगे? नहीं तो 400 बनेंगी परसा जी, जल्दी बताओ। तो फिर भाई साहब इनको 400 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया? 4400 बार। आप सुनो बात को, अब इन 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी? नहीं होंगे इस फरवरी में, आपको पढ़ा चुके हैं हम। 400 वर्षों में लीप वर्ष, लीप वर्ष जिसमें क्या होता है 29 फरवरी होती है, कितनी बार आती है बेटा? 97 बार। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है ना? ये ध्यान नहीं दिया तुमने, ये देखो, तो ये इनको जोड़ दो तो आंसर कितना है? 4497 एक लड़की का आंसर ठीक था, बाकी किसी का आंसर ठीक नहीं था, सही है? 4497 आंसर था इसका, कि एक लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार आएगी, इसमें लीप वर्ष वाली 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97। अरे पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना? आप ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बात पर, आपको लगा नहीं था जी ऐसे जनरल क्वेश्चन बोल रहे हैं। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चले। जी सर। हैं? बढ़िया, ठीक है, अगले एक और क्वेश्चन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, किसी देश में साक्षरता दिवस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप हम सारे करा चुके हैं, बीच बीच में क्वेश्चन बनाए। किसी देश में साक्षरता दिवस, देखिए साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हटा दें। किसी देश में साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन, किसी, मैं बोल रहा हूं, देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार, तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है जिस महीने का प्रथम रविवार, जिस महीने का
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महीने का प्रथम रविवार, जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के पांचवें दिन पड़ता है, महीने के पांचवें दिन पड़ता है, तो साक्षरता दिवस किस तारीख को, साक्षरता दिवस महीने की किस तारीख को पड़ेगा, महीने की किस तारीख को पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं आंसर, ऑप्शन होगा 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23 इस क्वेश्चन का जवाब घर से करवाओगे, घर से करवाओगे, इरादे मजबूत नहीं लग रहे, नहीं आ पाओगे, बात इरादों में पता लगती है, इरादे मजबूत नहीं है तो किसी देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे सोमवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है, ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन मनाया जाता है, जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के पांचवें दिन, ठीक है बेटा ध्यान दो जरा देखो, ऐसे महीने के चौथे दिन को बनाया, देखो कह रहा है किसी देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है, जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के पांचवें दिन, उस महीने का प्रथम रविवार कौन सी तारीख पर है, पांचवें दिन है, मतलब आपको ये बताना चाह रहा है 5 तारीख को रविवार, ये पकड़ी देखो बात ये, ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ 4 तारीख को क्या होगा शनिवार और 3 तारीख को क्या होगा शुक्रवार, सुनो मेरी बात, अरे सुन लो, 3 तारीख को शुक्रवार है महोदय और वो तीसरे शुक्रवार को बना रहा है साक्षरता दिवस, तो ये पहला शुक्रवार नहीं होगा बताओ, और अब पहला शुक्रवार होगा नहीं होगा, इससे पहले का कोई पिछले महीने में शुक्रवार होगा नहीं होगा, अब इस 3 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 10 तारीख को भी क्या मिलेगा शुक्रवार, और ये दूसरा होगा, ये पहला हो गया, और इसमें अगर मैं जोड़ दूं कौन सा 7 और, तो 17 तारीख को क्या मिलेगा शुक्रवार, और वो कितने दिन बाद बना रहा शुक्रवार से चौथे दिन, शुक्रवार से भी 4 दिन आगे बना रहा, तो ये 17 में 4 में जोड़ पाओगे क्या, 17 4 21 तारीख को मना रहा है साक्षरता दिवस, ये पर मैं बैठोगे ना पसीना छूट जाएगा, क्वेश्चन देख लो कहोगे नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा है, ये देखो ये जवाब था इसका, 21 तारीख को क्या मिलेगा साक्षरता दिवस, हाँ सर बहुत ऊट पटांग थी लेकिन क्वेश्चन पीछे से शुरू किया जाएगा, जो बात पहले उसको बोलनी चाहिए थी वो बाद में बोलो, सर अगर तीसरा शुक्रवार निकाल लेते हैं कि मतलब कौन सी डेट है फिर भी तो हो जाएगा, कैसे कह रहा है कि साक्षरता इस महीने के तीसरे शुक्रवार के, हाँ तो डेट कैसे निकल जाएगी किसी भी महीने के तीसरे शुक्रवार की, कोई पता नहीं कि कौन सा शुक्रवार, ये रविवार से तो पता किया हमने, जब पता लगा 5 तारीख को रविवार, 5वां दिन रविवार, तब पता लगा कि 3 तारीख को शुक्रवार होगा पहला, तो तीसरा शुक्रवार कौन थी 17 तारीख को, 4 दिन और जोड़ दिया 17 4 21 तारीख को क्या साक्षरता दिवस, समझ में आ गई बात, आज कैलेंडर का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, हो सकता है जो ग्रुप बना हुआ है तुम लोगों को उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन भी पहुंच जाए, ठीक है, फिर आप उसमें से कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछना चाहेंगे तो हम बताने को तैयार है, ठीक है ना, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आप बताने को हम तैयार है, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताओ, ठीक है सर।